The Unspoken Stories by Shopping Cart 24, Chapter 4. धातु भारत की उत्कृष्ट कला का एक अति आवश्यक हिस्सा, जिसे छूकर पवित्रता का एहसास होता है। काशी के कारीगर इसी पावन एहसास को सक्षम रूप देने में माहिर हैं। सोने, चांदी, ब्रास, कॉपर इत्यादि जैसे धातुओं को मनचाहा आकार दे सकते हैं ये कारीगर। बनारस मेटल रिपॉज क्राफ्ट बनारस के कला का एक और उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें छिपी है एक गुमनाम मेहनत। और शॉपिंग कार्ट 24 ने पहल की है कि इस गुमनाम मेहनत को एक नाम मिल सके, पहचान मिल सके। तो आइए चलते हैं बनारस शहर, जहां कदम रखते ही कला की आहट दिल पे दस्तक देती है और घर घर से आने वाली ठक ठक की आवाज मन को एक अलग ही एहसास की अनुभूति कराती है। मेरा नाम अशोक कुमार है। मेरे पिताजी स्वर्गीय मुन्नीलाल जी हैं। निची वाक का मैं निवासी हूँ, जहाँ मेरा ये काम करने का जगह है। मैं इस काम से जो है अपने पुश्तैनी कार्य के हिसाब से ही जुड़ा हुआ हूँ और इस कला को जो है हमने पीढ़ी दर पीढ़ी सीखी हुई है और इस काम में जो है ये खाल उभाड़ का ये जो है नक्काशी का काम, जिसको रिपोजी बोलते हैं, जो हमारे बनारस का उत्कृष्ट जो है कला का नमूना है, जो मंदिरों में और घरों में यूज होने वाले बर्तनों में जो कि हमारी जो है कला योगदान के रूप में देखी जाती है। ये जो है ये सिर्फ हमारे बनारस का ही काम है, जो सिर्फ बनारस में ही होता है ये खाल उभाड़ का काम। अनेक मंदिर रिलेटिव जो है कार्यक्रम जो है हमने किए हुए हैं, हमको इस काम में राज्य पुरस्कार भी मिला हुआ है और ये काम जो है ये करने के लिए पहले ग्राहक के रिक्वायरमेंट पर हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। ड्राइंग बनाने के बाद उस हिसाब से शीट तैयार करते हैं, चाहे वो कॉपर हो, ब्रश हो या एनीवे की कोई भी मेटल हो, उस पर हम जो है ये गोदा का काम करते हैं, जो मार्किंग होती है। मार्किंग करने के बाद इसको हम लोग पीछे से उल्टा उभारते हैं, एम्बोस देते हैं। एम्बोस करने के बाद फिर उल्टा उस पर लाद दूसरी बार लगा करके जो है इसको तैयारी का काम किया जाता है। इसके बाद इसको नक्काशी करने के बाद इसमें जो भी बेस वगैरह लगाना हो, जुड़ाई का काम होता है। जुड़ाई करने के बाद एक बार शार्प करके इसको पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद ग्राहक को दिया जाता है। लेकिन इसमें यह समस्याएं आती हैं कि जो है अब सरकार के हिसाब से इस पर GST 18% लगाया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसको करते करते हम लोग को वहाँ तक आप तक पहुँचाने तक 25% पड़ जाती है, जो कि हमारे जो है एक रुपये में से 25 पैसा निकल गया, हमको 12 ना बच रहा है, उसमें हमको सारी खर्चे वगैरह सब वहन करना पड़ता है। इस वजह से इसमें बहुत ज़्यादा जो है टैक्स है, इसको कम होना चाहिए। इस प्राचीन कला को सन 2016 में बनारस के उत्पाद के नाम पर GI लिस्ट में शामिल किया गया। ये काम जो है हमारा बहुत पुराना है, ये चूँकि काम पुराना रहने का हमारे खानदानी काम है ये, और इस काम को करने में मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं इस काम को आगे तक अपने पीढ़ियों से आगे भी ले जाना चाहता हूँ और ले जा रहा हूँ। ये काम जो है इतना उत्कृष्ट है कि इसमें जो है बर्तनों में खाने वगैरह सब खाने में शुद्धता होती है और ऐसी बहाने मेरी रोजी रोटी भी चलती रहती है। मैं इस काम से बहुत बहुत मतलब प्राउड हूँ, और जबकि मुझे राज्य पुरस्कार भी इस काम में दिया गया है जो है, और मैं बहुत इससे मतलब कि उत्साहित हूँ। बस ये आप समझिए कि मैं इसका कुछ कह नहीं सकता, बस इसी से हमारी रोजी रोटी है और यही काम हम तो चाहेंगे, ये काम बराबर होता रहे और हमारी पहचान बनी रहे और हम लोगों को रोज़गार मिलता रहे। ये थे श्री अशोक कुमार जी, बनारस मेटल रिपॉज क्राफ्ट के राज्य पुरस्कृत कलाकार,
जो इस कला को सहेज रहे हैं और अपने आने वाली पीढ़ी को भी इस कला में माहिर बना रहे हैं। और इनके लिए हम इन पंक्तियों को फिर से दोहराना चाहेंगे। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं जो हौसला आसमान छूने का, उनको नहीं परवाह कभी गिर जाने की।